पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। युवती का पर्स काटा और 50,000 चुरा कर बाइक से साथी के साथ गई चोरनी, सीसीटीवी कैमरे में कैद। खबर जिले के पिछोर थाना क्षेत्र के पिछोर एसबीआई बैंक चंदेरी रोड से आ रही है, जहां एक महिला ने अपनी जेब से 50,000 रुपए चोरी होने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार पिछोर थाने में फरियादिया निदा खान पुत्री शहजाद खान ने आवेदन देते हुए बताया कि वह पिछोर एसबीआई बैंक चंदेरी रोड शाखा से 50,000 रुपए निकालने के लिए गई थी। उसने दोपहर में करीब 1 बजे खाते से रुपए निकले। बैंक में उसके पीछे एक करीब 35 साल उम्र की महिला और एक लड़की पीछे लाइन में लग गई। दूसरी लड़की की उम्र करीब 18 साल होगी। निदा ने बताया कि उसे कॉलेज जाना था तो वह बैंक के सीधे कॉलेज चली गई। ये महिला भी बैंक से उसका पीछा करते हुए कॉलेज तक पहुंच गई। वह कॉलेज में पानी पी रही थी, तब महिला के साथ पीछा कर रही लड़की ने धारदार हथियार से बैग में कट लगाया और 50,000 रुपए निकाल कर भागी। जब लड़की भागी तो निदा चिल्लाई भी और अन्य लोगों के साथ मिलकर पीछा किया। कॉलेज के गेट के बाहर एक आदमी पहले ही मोटरसाइकिल से उनका इंतजार कर रहा था। गेट से मोटरसाइकिल पर बैठकर वह फरार हो गई। पूरी घटना कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। महिला और लड़की ने जिस तरह से वारदात की उसमें किसी संगठित ग्रोह की सदस्य लग रही है। उन्होंने पहले बैंक में रेकी कर शिकार के रूप में निदा को चिन्हित किया, इसके बाद कॉलेज तक पीछा किया। उनके साथ एक आदमी भी था जो गेट पर पहले से इंतजार कर रहा था। निदा का पीछा कर रही लड़की ने बैंक में अलग दुपट्टे से मुंह ढक कर रखा था और कॉलेज में अलग दुपट्टे से मुंह ढका जिससे शक ना हो। पूरे समय वह मुंह ढके रही जिससे पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं तुम्हारा निदा खान, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हम बैंक गए थे, 49,000 रुपए मैंने काउंटर से लिए और फिर वहाँ पे जो दो लेडीज थी तो मेरे आसपास घूम रही थी, लेकिन बिल्कुल करीब नहीं आई थी तो हम नहीं समझ पाए कि वो किस इरादे से आई थी। फिर हम वहाँ से निकल के कॉलेज गए। कॉलेज में थोड़ा फॉर्म के बारे में पूछना था और वहाँ पे तो नहीं पूछा हमने फॉर्म के बारे में। फिर मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने गई और मुझे वो लेडीज पे शक भी हुआ तो मैं वहाँ पे खड़ी हो गई और मैंने उनको देखा तो वहाँ पे एक लड़की थी, वो उससे बात करने लगी सीसी वगैरह के बारे में, तो मैंने फिर अवॉइड किया। फिर हमें लगा कि वो कॉलेज की होगी क्योंकि एक जो आंटी थी वो 40 से 45 साल के बीच थी और एक लड़की थी वो 25-26 साल के समथिंग थी, 20 से 25 साल के समथिंग। तो फिर मुझे कोई डाउट नहीं हुआ कि ये कॉलेज स्टूडेंट है क्योंकि वो जो बात कर रही थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। फिर हम आगे गए और मैंने जो कॉलेज की टंकी है वहाँ पे नल पे पानी पिया, उसके बाद बस वो भी वहीं पर थी, पीछे आई और फिर मेरे पैसे नहीं थे और मैं समझी मैंने बैंक कितने पैसे थे। 49,000 रुपये मैंने बैंक से लिया था और 1,000 रुपये मेरे उसमें पहले से थे और पूरे पैसे मेरे निकले हैं, उसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। और फिर जब तक मैंने बैग चेक किया, बैग हल्का हल्का लगा, मैंने बैग देखा और फिर जब तक वो आंटी भाग चुकी थी और फिर पीछे भी आई, लेकिन कॉलेज के दरवाजे से वो लोग नहीं मिली। और कॉलेज के कैमरे खराब हैं, बस एक ही कैमरा सही है जिसमें वो बैग से दिख रही है, फ्रंट से उनका फेस नहीं दिख रहा है।